आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अजूस्पर्मिया क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? पहले कई वीडियोस में हमने अजूस्पर्मिया के कारणों के बारे में बात किया है, आज हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कि अजूस्पर्मिया होता क्या है। जब सेमिनालिसिस किया जाता है और उसमें स्पर्म्स नहीं मिलते, उस कंडीशन को अजूस्पर्मिया कहा जाता है। लेकिन अजूस्पर्मिया कहने के पहले पूरे सीमन सैंपल को ठीक तरह से जांच लेना चाहिए कि कहीं कुछ चंद 10, 2, 3 कुछ तो स्पर्म्स मिलेंगे, जिससे अवश्य हम IVF में एक प्रोसीजर है जिसका नाम है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके द्वारा फिर भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अगर उतने भी स्पर्म्स नहीं मिले, कुछ भी नहीं था, तो अजूस्पर्मिया का रिपोर्ट दिया जाता है। अजूस्पर्मिया कई कारणवश हो सकता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, पहले आपने कभी शायद वैसेक्टमी कराया हो या कीमोथेरेपी हुआ हो, इन सब कारणों की वजह से अजूस्पर्मिया होने के चांसेस होते हैं। बट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के पहले आपके यूरोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको हार्मोनल टेस्ट कराएंगे। इसमें LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिन, ये सारे हार्मोन्स टेस्ट किए जाएंगे, और अगर कुछ इम्बैलेंस रहा तो हार्मोन थेरेपी दिया जाएगा। हार्मोन थेरेपी 2 या 3 महीने से ज्यादा अधिकतर नहीं दिया जाता है, और जब अगर ये काम कर जाता है तो स्पर्म्स सीमन में दिखने लगते हैं। ये कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रोसीजर भी हो सकता है, इसलिए आपके वाइफ की एज और आपकी एज के मुताबिक इसकी सलाह दी जाती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, अगर कहीं कुछ ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है या बॉर्डरलाइन हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो TESA किया जाता है, टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन, यानी कि टेस्टिस में जहाँ स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं वहां पर जाकर स्पर्म्स लेना। कैसे करते हैं? एनेस्थीसिया देके एक बहुत पतली सी सुई टेस्टिस में जाएगी, एनेस्थीसिया क्यों किया जाता है ये प्रोसीजर, और वहाँ से सैंपल निकाल के देखा जाएगा कि स्पर्म प्रोडक्शन है या नहीं। अगर स्पर्म्स हैं, ICSI प्रोसीजर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा आप अवश्य प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में हर एक अंडे में एक एक स्पर्म डाला जाएगा और एम्ब्रियो तैयार करके अच्छा एम्ब्रियो गर्भ में डालने से सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, आपको अजूस्पर्मिया रिपोर्ट दिया गया है और आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।